दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे, हमारे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि जब आप ब्लैक पिस्टन आईसी को निकालते हैं तो आपसे ट्रैक्स कैसे निकल जाते हैं, नहीं तो आपसे बोर्ड स्क्रैच हो जाता है। तो दोस्तों किस तरह से हम ब्लैक पिस्टन आईसी को निकालते हैं एकदम सेफ वे में, दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं दोस्तों, ब्लैक पिस्टन आईसी को निकालने के लिए दो चीज़ इस्तेमाल होती हैं, मतलब दो चीज़ आपका होना कंपलसरी है। पहला आपका हैंड स्किल, अगर आपके पास अच्छा होगा तो आप बिल्कुल सटीक यानी सेफ वे में आप ब्लैक पिस्टन आईसी को निकाल लेंगे। यदि आप फ्रेशर हैं और पहली बार सीख रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए आपके पास स्पेशल टूल्स होना चाहिए, जिस टूल की मदद से अगर आप आईसी को निकालते तो आपका बोर्ड ना तो स्क्रैच होगा और बहुत कम चांस हैं कि उसके ट्रैक भी आपके नहीं निकलेंगे। दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको मैं जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं ब्लैक पिस्टन आईसी को निकालने के लिए, जो स्पेशल टूल है जो कि फ्रेशर लोगों को हम देते हैं, फ्रेशर लोग उनको यूज करते हैं तो उनको बहुत हद तक वो अच्छी तरह से आईसी को निकाल लेते हैं। चलो वीडियो देख लेते हैं कि ब्लैक पिस्टन आईसी को कैसे निकालते हैं बिल्कुल इजी वे में। दोस्तों यदि आप फ्रेशर हैं और आप ब्लैक पिस्टन आईसी निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आपसे बहुत ट्रैक निकल जाते हैं, आईसी का बोर्ड स्क्रैच हो जाता है। दोस्तों इसके लिए आपके पास स्पेशल टूल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर लोगों को स्पेशल टूल होता है इसका। अगर आप उस ब्लेड की मदद से किसी भी ब्लैक पिस्टन आईसी को निकालेंगे तो आपका कोई ट्रैक्स नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड है और हमने इसका MMC निकाला हुआ है। दोस्तों ये हमारे पास एक कंपनी का स्क्रैपर है, इससे हम जो कि ब्लैक पिस्टन आईसी को निकालते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप इस टूल को यूज करेंगे तो आपसे अक्सर ऐसा होगा कि बोर्ड स्क्रैच हो सकता है, ठीक है। वीडियो के अंदर देखना, उसमें आपको स्पेशल एक ब्लेड के बारे में बताया जाएगा, उससे अगर आप निकालते हैं तो आपका कोई भी ट्रैक नहीं निकलेगा, ना ही बोर्ड आपका स्क्रैच होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने ब्लैक पिस्टन आईसी को निकाला है, जो कि इसमें कोई भी प्रिंट नहीं गया है और बिल्कुल इजी वे में आपका MMC यहाँ पर निकल गया है। अक्सर आप जब निकालते हैं तो आपसे ऐसा गलती होता है कि ट्रैक्स बहुत निकल जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पेशल ब्लेड है, जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए ये ब्लेड बहुत अच्छा है। इसमें आपके तीन ब्लेड आते हैं जो कि सुपर काम करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यही ब्लेड लें, आपसे कोई भी प्रिंट ना तो निकलेगा, ठीक है। अगर निकलता है तो NC निकलेगा, और ये आपका है जिससे आप CPU के जो ब्लैक ग्लू को रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली तरीके से, इसमें भी आपका बोर्ड स्क्रैच नहीं होगा। हम देखते हैं कि दोनों ब्लेड में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैं आपको ब्लेड दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्लेड है ये कुछ इस तरह का ब्लेड है हमारा, और यहाँ पर हल्का सा एक कट लगा होता है, ठीक है, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो हमारा गोल्डन ब्लेड है उसकी अपेक्षा हल्का सा ये फ्लेक्सिबल है और मोटा भी है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है पर बहुत अच्छा है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसी को यूज करें, ये सुपर ब्लेड है और अच्छा काम करते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप ये ब्लेड ज़रूर लें, ठीक है। अगर आप और ब्लेडों से MMC या CPU को निकाल रहे हैं जो कि ब्लैक पिटेड है और आपसे ट्रैक्स निकल रहे हैं, देख सकते हैं दोनों ब्लेड में डिफरेंस ये है कि यहाँ देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कुछ अलग है। मतलब इस ब्लेड को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो लोगों से ट्रैक्स निकल जाते हैं तो इस ब्लेड का आप इस्तेमाल करेंगे, जो ब्लैक वाला है बहुत ही शानदार ब्लेड है और इससे कोई भी आपका ट्रैक्स नहीं निकलेगा और ना ही आपका आईसी स्क्रैच होगा। अब इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लेड है ये दोनों साइड से ही राउंडेड है, ठीक है, मतलब दोनों साइड से ही ये आपका बिल्कुल ही गोल टाइप का है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो हम आपके लाते रहे जिसका आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।